नमस्ते। जो फुलडुंगसाई विलेज में रिपोर्ट आ रहा है कि मिजोरम ने फुलडुंगसाई विलेज में इलेक्शन किया है जो कि त्रिपुरा का टेरिटरी है, इसका हम बहुत जोर से ऑब्जेक्शन करते हैं। आई एम अमेज्ड एंड शॉक्ड दैट इतने रीजनल पार्टीज हैं त्रिपुरा में, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री बिप्लब जी से बात किया है और मैंने SDM रिपोर्ट भी पढ़ा है जहाँ में क्लियरली लिखा गया है कि त्रिपुरा के अंदर मिजोरम ने एक इलेक्शन होल्ड किया है। मैं डिमांड करता हूँ कि त्रिपुरा सरकार मिजोरम सरकार को एक चिट्ठी लिखे और वो इलेक्शन को कैंसिल करे इमीडिएटली। उसके बाद मेरा डिमांड है कि उस जगह में एक पुलिस आउटपोस्ट होना चाहिए जो त्रिपुरा स्टेट पुलिस का होगा। एंड फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा राज्य एक बहुत पुराना राज्य है, हजारों साल से ये राज्य रहा है और रहेगा। कोई अगर हमारे स्टेट का एक इंच भी जमीन ले तो तिपरा मोथा उसका जवाब देना जानता है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़े दिन के बाद, जिसमें मैं सब रीजनल NGOs पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करना चाहता हूं कि हम लोग एक आवाज़ में ये बात बोले कि हमारा त्रिपुरा का जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो जम्पुई में हो रहा है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये समय आपको अपने लोगों के साथ रहने का है, ना कि ये समय आपको चुप रहने का है। जो चुप रहेंगे, जो इलेक्शन के पहले बात करेंगे, उनका मतलब वोट होता है। हमारा मतलब है हाँ, हम अपना हाँ, एक इंच हाँ भी हम कोई भी नेबरिंग स्टेट को नहीं देंगे। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद खुलुंखा।